जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फेसबुक ट्विटर दोनों जगह डॉक्टर ओमचो सर्च करेंगे, वहाँ पर भी आप हमें मिल जाएंगे, वहाँ भी हमसे जुड़े। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए सूर्य की जो राशि परिवर्तन हो रहा है, आने वाले 1 महीने तक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्या चीज़ें रहेगी, उन पर हम बात करेंगे ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू पर। ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए उतना घातक नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा, एक बड़ा परिवर्तन लाएगा और आर्थिक रूप से, धार्मिक आर्थिक रूप से जो तंगी चल रही है उससे जो बाहर निकालने में बहुत कामयाब होगा। कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई सरकारी कुछ भी सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी चीज़ों से, क्योंकि सूर्य जो राज्य को डिफाइन करता है तो उस पर एक बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। कोई बड़ा परिवर्तन मिल सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कोई कोर्ट केस हो आपका, जो बहुत दिनों से आप लड़ रहे हैं लेकिन जीतना मुकदमा, तो उस पर भी आपको सुलह या जो भी रास्ता हो वो निकलने की संभावना हो सकती है। संतान सुख हो सकता है और संतान सुख के साथ साथ एक सबसे बड़ा मेन मुख्य बात यह है कि ये जो पॉइंट ऑफ ये महीने भर है इसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बहुत नए नए आपको आयाम प्राप्त होंगे, नए नए अनुभव प्राप्त होंगे और जो लोग आपके दुश्मन हैं वो पराजित होंगे इन दिनों में, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल ये एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। हर राशि के जातकों के लिए, किसी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो किसी प्रकार की आप भ्रांति ना रखेंगे कि सूर्य के परिवर्तन, राशि परिवर्तन से हमें कोई तकलीफ हो जाए, दिक्कत हो जाए। हाँ, यह दिक्कत ये उन लोगों के लिए होती है जो बहुत नशा करते हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, जो नशा और सट्टेबाजी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए ये समय धोखेबाजी का समय हो सकता है। और वाहन दुर्घटनाएं जो कि सबसे, हमेशा मैं ये लिंक से हट के बात कहता हूँ कि आप गाड़ी धीरे चलाएं, सीट बेल्ट पहनकर, हेलमेट पहनकर गाड़ी वाहन को चलाएं, क्योंकि दोस्तों दुर्घटनाएं अभी इतने वाहन हो चुके हैं कि कभी भी किसी के साथ भी घटना हो सकती है। तो भगवान ना चाहे कभी किसी के साथ घटना ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो सुरक्षा अगर होगी तो हम बच जाएंगे। अगर कोई दुर्घटना होती तो आर्थिक रूप से भी बहुत टूट जाते हैं और कई सारी परेशानी हो जाती है। हम जीवन को बहुत हमारे सामान्य तरीके से जीते हैं लेकिन एक दुर्घटना अच्छे खासे परिवार को, हालातों को खराब कर देती है। इसलिए मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान दें, क्योंकि आज हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना वाहन के नहीं चल रहा है, सब सक्षम है, सभी के पास ये चीज़ें हैं, महिला हो पुरुष हो सभी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि इस परिवर्तन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, कहीं कोई नुकसान का कोई विषय नहीं है और ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और जिसके प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री महाकाल, कमेंट्स करें।